बोध सीखना है तो कन्हैया को पढ़ो, जीवन में उतारो। हम लोगों ने भगवान को भगवान तक सीमित रखा है, याद रखना भगवान कृष्ण को कभी जीवन में उतार करके देखना, आप संसार की सभी कलाओं में पारंगत हो जाओगे। हम लोगों ने कथा तक सीमित रखा, कथा में भाई 7 दिन बढ़िया, राधे 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 राधे, 8वें दिन सब आधे 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 आधे। व्यास जी अपने घर को मोटी दक्षिणा लेके चले और जजमान भी अपनी बोरिया बिस्तर उठाया, टेंट मेंट धूला उड़ाई और चलो भाई, कितना खर्चा हो गया भैया? 50 लाख टंग गए। हाँ, और श्रोता भी, अरे भैया कुछ भी कहो, बागेश्वर वाले महाराज आए रहे दिल्ली, ऐसी कथा किए कि 2-2 लाख आदमी जुड़ गए भैया ठठरी के बरे हरो। तुम आदमी देखवे आओ, भगवान कृष्ण की कथा सुनने आए हो तो मेरे पागलो, भगवान कृष्ण को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दो। जिस दिन तुम भगवान कृष्ण को अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में उतारोगे तो भगवान कृष्ण जैसी विराटता का बोध होने लगेगा, भगवान कृष्ण जैसी क्षमता का बोध होने लगेगा, भगवान कृष्ण जैसी समता का बोध होने लगेगा। और शायद हमने परसों बोला था, फिर बोलते हैं, भगवान कृष्ण का उपासक बुद्धू नहीं बुद्ध होता है, और केवल बुद्ध नहीं शुद्ध होता है, और भगवान कृष्ण को पूजने वाला इस संसार में विशुद्ध होता है। इसलिए संपूर्णता का बोध हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे कन्हैया महानायक का प्रभाव इस संसार में ऐसा पड़ा। अगर आप कोई सामंजस्य की बात कहे तो हमारे भगवान कृष्ण को समझना मुश्किल है, इन्हें पूर्ण अवतार कहा है, इसमें परिपूर्ण अवतार है, 16 कलाएं हैं ठाकुर जी में। और कभी कभी हमें भगवान कृष्ण की एक बात बहुत प्यारी लगती है, वैसे तो हर कला लीला प्यारी है, अद्भुत है, न्यारी है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है, अवक्तव्य है, उसके बारे में कोई वक्तव्य भी नहीं है। लेकिन कभी कभी एक चरित्र हमें बहुत बाता है, महाभारत का युद्ध होता है, भगवान कन्हैया प्रण लेते हैं कि मैं पूरे महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि जब आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे तो युद्ध तो हम जीत गए, लेकिन जब अर्जुन के ऊपर बाणों का प्रहार होने लगा, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धा बाणों को मारने लगे, और भगवान को लगा कि कहीं हमारा भक्त टूट ना जाए, छूट ना जाए, मिट ना जाए, बट ना जाए, तो हमारे ठाकुर जी जो प्रण लिए थे कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो हमारे कन्हैया इतने भक्त वत्सल हैं, तुरंत रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़ते हैं। ये भगवान का बोधत्व देखना, भक्त वत्सलता देखना। मानो कन्हैया कहना चाहते हो कि नियम जरूरी है जीवन में, पर एक ही नियम रखो कि कोई नियम ना हो।